नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनने वाली पंच भीखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराए पुरुष का मुँह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की ये बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करके के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी की साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली बेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडव के छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद में आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरो यो यो वीरा। सुआ बोली कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तो साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान कर के फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। यह राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर रे की ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंख बंद कर के चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि पापी को कह देना कि मैं 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री को बुरी नजर से देखा, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हो गया है। राजा ने उसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की
बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल में वह स्नान करे, तभी वह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि वह माला आपकी पुत्र वधू की है, इससे ले और आपकी बहू ने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर से नहाएगी तब नीचे से इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधु का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। कथा सुनकर सभी को इस प्रकार बोलना चाहिए, नो नहाई पड़वा नहाई, पांच रत्न पंच तीर्थ पंच भीखम नहाई, एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतली बन गई, राजा लाया ब्याहो के रानी बन गई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। यहीं पे कथा का समापन होता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, खूब खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय हो कृष्ण दामोदर भगवान की।